आज गांधी जयंती के अवसर पर ऑफिस कॉलोनी ग्रुप कांचरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की तरफ से हम आप सबके सामने एक कार्यक्रम पेश करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गांधी एक सोच। बदला लेंगे। हाँ, हम अंग्रेजों से इसका बदला लेकर रहेंगे। चलो, चलो। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है, हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। हम इसका जवाब देंगे और हमारी अहिंसा की गूंज इनके हिंसा के शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। नहीं बापू, अब खून का बदला खून से होगा। चलो सब लोग, खून करना है तो करो, प्रहार करना है तो करो, मगर उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। हम असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। आज से हम विदेशी कपड़े त्याग देंगे और सिर्फ खादी ग्रहण करेंगे। जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया, हम पर आज नमक कर कानून लगाकर वो अपनी नमक हरामी पर उतर आए हैं। नमक कर कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हम दांडी तक मार्च करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला और 400 किलोमीटर पैदल चले। चले गांधी जी, लेकिन पसीने अंग्रेजों के छूट गए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है और जो हमें उससे अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर है, मगर हमारी आवाज एक है। लंबे सफर के बाद गांधी जी ने ये तय किया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 को
भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सा कोई